सन्नी भैया जहाँ हमारी नई नो हो रही है प्रणाम प्रणाम बटी राजा श्री के जय हो और आ जाओ चलन तो प्रसन्न दे देंगे ना नमस्कार, मैं नीरज, आप देख रहे हैं BSNS न्यूज़। आज हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के फरीदाबाद से विधायक नरेंद्र गुप्ता जी है। आज हम उनसे बात करेंगे। सर, BSNS न्यूज़ में आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। सर, आज का कार्यक्रम किस उपलक्ष्य में हो रहा है? देखिए, जो कार्यकर्ता हमारे भारतीय जनता पार्टी के विचार परिवार के जितने लोग थे, जिन्होंने बूथों पर काम किया, पूरे 21 दिन लगातार घर छोड़ के काम छोड़ के पार्टी की सेवा की, उन सबको बुला के आज उनका धन्यवाद है, उनका स्वागत समारोह है। उनके मेहनत के जो उन्होंने देश के लिए, हरियाणा के लिए, माने मनोहर जी ने जो काम किए उनके लिए, जो इतना उत्साह आप देख रहे हैं सभी कार्यकर्ता बंधुओं में, मैं दिल की गहराइयों से उनका धन्यवाद करता हूँ। और उनको यहाँ बुला के उनसे सबसे परिचय भी होगा दोबारा से, और आगे की रणनीति बनाएंगे कि कैसे समाज सेवा के कामों को आगे बढ़ाएं। क्षेत्र की जनता ने आपको लगभग 20,000 वोटों से ज़्यादा से जिता के भेजा है, आने वाले समय में क्षेत्र की जनता के लिए आप क्या काम करोगे? देखिए, मैं क्षेत्र की जनता की जो भी समस्याएं होंगी उनको दूर करूंगा। मेन हमारा जो काम करने का तरीका होगा, स्वच्छता पे विशेष फोकस रहेगा, जिससे कि हमारे गरीब लोगों को, जहाँ स्वच्छता नहीं होती वहाँ पे सबसे ज़्यादा बीमारियाँ स्वच्छता ना होने की वजह से होती हैं। बीमारी होने की वजह से जो हमारे मजदूर भाई हैं उनके लिए ये बहुत बड़ी समस्या है। मैं सबसे पहले, मेरी कोशिश होगी नगर निगम से मिलकर सफाई कर्मचारियों को मोटिवेट करूँगा, उनको भी इसी तरह बुलाऊँगा। जितना उत्साह आप हमारे कार्यकर्ताओं में देख रहे हैं, हमारे जितने भी सफाई कर्मचारी हैं इसी प्रांगण में, उनको भी बुलाकर मैं उनको मोटिवेट करूँगा, उनको सम्मान दूंगा और उनसे प्रार्थना करूँगा कि हमारे फरीदाबाद शहर को पूरी तरह से स्वच्छ रखें। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि आपको भी मंत्री पद मिल सकता है यहाँ से, तो मंत्री पद मिलने के बाद आप क्षेत्र के जनता के लिए जो मुख्य समस्या है उनको कैसे दूर करेंगे? देखिए, फरीदाबाद की जनता ने मुझे भरपूर प्यार दिया है, ये मेरी जिम्मेवारी है, उनकी सारी समस्याओं को मैं दूर करूं और 24 घंटे उनकी सेवा में लगा रहा हूं। मैंने फरीदाबाद की जनता को वचन दिया है कि मैं अपना पूरा समय उनके लिए दूंगा और हर की समस्याओं को पूरी तरह से जो भी संभव होगा मैं दूर करने की कोशिश करूंगा। माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के आशीर्वाद से यहाँ की जो भी समस्याएँ होंगी, फंड्स की कमी होगी, तो उनके बीच में जाके उनसे पुनः आशीर्वाद लूँगा और उनसे प्रार्थना करूंगा कि मेरी फरीदाबाद की जनता को कोई भी समस्या ना रहे। आज के प्रोग्राम में कार्यकर्ताओं को क्या मैसेज देना चाहते हो? और जाओ, कार्यकर्ताओं में जो उत्साह आप देख रहे हैं, कार्यकर्ताओं में ऑलरेडी उत्साह है, उनको लगता है कि उनके बीच का एक कार्यकर्ता को ये जिम्मेवारी मिली है, उनको सम्मान मिला है। तो मैं तो यही कहूँगा कि आज मुझे सम्मान मिला है, हो सकता है अगले 5 साल बाद इन्हीं किसी कार्यकर्ताओं में से ये सम्मान दोबारा मिलेगा तो मुझे बहुत खुशी होगी।